बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर स्थित उनके आवास पर तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सुषमा के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अपनी पूर्व सहयोगी का पार्थिव शरीर देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक नजर आए और उनकी आंखें नम हो गई। प्रधानमंत्री ने बेहद गमगीन माहौल में सुषमा की बेटी बांसुरी स्वराज के सिर पर हाथ फेर कर उनका हौसला बंधाया। तो वहीं कुछ देर बाद पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी सुषमा के पार्थिव शरीर को देखकर बेहद भावुक हो गए। कुछ क्षणों तक तो वो सुषमा के निष्प्राण शरीर को देखते रहे। इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा पास ही खड़ी सुषमा की बेटी बांसुरी से लिपटकर रोने लगी। राजनीति की निडर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात ठीक 10:15 पर 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि सीने में दर्द के कारण उन्हें रात में दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांसें तो ली और इस देश को अपना आखिरी सलाम भी बोला। सुषमा स्वराज की अचानक से मृत्यु की खबर से देश में शोक की लहर छाई हुई है। हर सोशल साइट्स पर सुषमा स्वराज को उनकी मन की शांति की दुआएं दी जा रही हैं। इतनी कम आयु में उन्होंने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। यही वजह है कि अब लोग उनके जाने से काफी दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने ट्वीट किया, सुषमा जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। उन्हें भारत के लिए किए गए हर काम के लिए याद किया जाएगा। मेरे विचार, इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण समय में उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। इस दौरान सुषमा के परिवार से बात करते हुए प्रधानमंत्री बेहद भावुक नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव भी सुषमा के पार्थिव शरीर को देखकर बेहद भावुक नजर आए और वहीं मौके पर फफक फफक कर रोने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बाइट टीवी।